नशा मुक्त गांव बनाने के लिए आगे आए कुठिला गांव के युवा एवं समाज सेवी लोग। आपको बताते चले, नशा मुक्ति कार्यक्रम को लेकर त्योंथर तहसील के ग्राम पंचायत कुठिला के युवा एवं समाज सेवी लोग आए सामने। उन्होंने ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच हिमांशुधर सिंह एवं गांव के अन्य वरिष्ठ लोगों से मिलकर उनकी सहमति जानी और गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए एक आवेदन थाना प्रभारी जवाब गीतांजलि सिंह को एवं व्हाट्सएप के माध्यम से पुलिस अधीक्षक रीवा एवं SDPO ढबोरा विनोद सिंह जी को अवगत कराया। ग्राम पंचायत कुठिला में अवैध रूप से महुआ शराब, फॉरेक्स एवं अंग्रेजी शराब का व्यापार जोरों से चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से आए दिन गांव में चोरी, मारपीट, गाली गलौज एवं युवा पीढ़ी नशे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जिसे रोकने के लिए गांव के कुछ वरिष्ठ लोग एवं युवा साथी आगे आए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से राजेंद्र आदिवासी, राजन वर्मा, डॉक्टर इंदल नाथ की जुबानी सुनते हैं कौन सही है कौन गलत है। यह तो जांच के बाद पता चलेगा, किंतु देखने वाली बात यह होगी कि जनता को नशे से निजात कब मिलेगी, यह तो वक्त ही तय करेगा। बने रहें तत्वदार न्यूज के साथ। समस्याओं को लेकर थाने गए हुए थे, यही गांव में जो शराब वगैरह बेचती हुई है, इसी को रोकने के लिए, और जो भी मादक पदार्थ बेचते हैं, फोरेक्स वगैरह, गांजा, ये सब जो चल रहा है। तो थाना प्रभारी जी को आपने क्या कहा? उनको ज्ञापन दिया गया है, उन्होंने लिया, बोली है क्या कार्रवाई करने के लिए? बोली यही बोली कि आप लोग मतलब कि कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद आदिवासी। तो आज किस संदर्भ में आप लोग गए थे थाने? इसी नशा मुक्ति के संबंध में गए थे थाने। यहाँ तो विज्ञापन दिया हूँ मैडम को, कार्रवाई करने के लिए बोली है कि होगा, इस पे कार्रवाई होगी, समय लगेगा। समय लगेगा जी। तो क्या क्या नशा आपके क्षेत्र में चल रहा है इस समय? दारू चल रहा है, ठीक है कि अंग्रेजी शराब चल रही है, कोरेक्स भी चल रहा है, ऐसे चल रहे हैं, महुआ की चल रही है जोरों से। इसका दुष्प्रभाव क्या है गांव में? अरे दुष्प्रभाव छोटे बच्चों पर पड़ रहा है, बीवी बच्चों पर पड़ रहा है। जी हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंदलनाथ है। इंदलनाथ जी, ये बताएं कि किस समस्याओं को लेकर आप लोग आज थाने परिसर में गए थे और वहाँ पे क्या हुआ? मैं आज 27/11/2022 को थाने में ग्राम पंचायत कुठिला के दारू उन्मूलन की समस्या को लेकर के थाना प्रभारी से मिला, उनको आवेदन भी दिया, लेकिन थाना प्रभारी ने कहा कि मैं कहां कहां समस्याओं को देखूं, मेरे पास पुलिस बल की का अभाव है। अच्छा। और जितने भी इसमें सिग्नेचर हैं, इनसे आप क्या कहते हैं लोकेशन दिलाइए, तो मैं कार्रवाई करूंगी, लेकिन कोई संतोषजनक उनका उत्तर नहीं रहा। नहीं रहा। तो गांव समाज में आज ये पहला गांव है कि आप लोग जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इस नशा मुक्ति के लिए, तो इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यह है, समाज में अपना विघटन होता है, बाल बच्चों पर असर पड़ता है, आए दिन क्या कहते हैं दुष्प्रभाव से लोग फांसी भी लगाते हैं, मर्डर भी हो जाता है, और इसमें जो लोग 100 रुपये काम करते हैं 150 रुपये का दारू पी लेते हैं, घर में जाते हैं तो खाने को भी नहीं रहता है, बीवी बच्चों से मार पीट करके अपना विवाद भी